गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, बन रही है हमारी मॉर्निंग चाय और बच्चों का दूध गर्म हो रहा है। फ्रेंड्स, उठने में आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से काम, क्योंकि आज मुझे जाना है नर्सरी। और क्यों जाना है वो सब आप लोगों को मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। चाय भी बन गई थी, बच्चों का दूध भी गर्म हो गया था, मैं ले आई हूँ हॉल में डालकर, बच्चों का दूध भी और मेरी चाय भी। तो चलिए फ्रेंड्स, पी लेते हैं फटाफट चाय। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। आज है फ्रेंड्स सोमवार, तो ये मेरा सोमवार का ब्लॉग है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। 8 बज चुके हैं सुबह के, और फ्रेंड्स चाय वगैरह हमारी हो चुकी है और बच्चों को भी दूध वगैरह दे दिया है, और ये लग गए हैं सुबह सुबह लूडो खेलने में। और ये तीनों खेल रहे हैं, इसके पापा और दोनों ये, तो तीनों लूडो खेलने में लगे हुए हैं। देखिए, हाय हेलो करो भाई, हेलो। लूडो खेलने में बिजी है ये, तो चलिए इनको खेलने देती हूँ और मैं अपना काम कर लेती हूँ। आज सारे दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ मैं घर में, पोछा लगा रही हूँ, तो पोछा लगा लेती हूँ। और मुझे अभी कहीं जाना है फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ मैं घर की क्लीनिंग वगैरह, और फिर नहाने के बाद मिलती हूँ। मेरा नहाना धोना भी हो गया है, पूजा भी मैंने कर ली है फ्रेंड्स। फूल चढ़ाना भूल गई थी, तो फूल तोड़ के ले आई हूँ और मंदिर में चढ़ा देती हूँ। तो आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए कान्हा जी का। और चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा, तो फटाफट से बना लेते हैं और निकलते हैं फिर हम लोग। इधर में हमारी अनुषा बना रही है चाय, ये देखें चाय बन रही है अनुषा की। तो फ्रेंड देखिए, पोहे की भी तैयारी हो गई, प्याज टमाटर हरी मिर्ची वगैरह सब काट ली है, और पोहे भी मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो पोहे भी अच्छे से फूल गए हैं। गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है मैंने, और चाय हमारी बन रही है, तो फटाफट से बनाते हैं। सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, और मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स पौधे लेने के लिए, सुंदर सुंदर फ्लावर वगैरह के पौधे लिए, तो मैं नर्सरी में जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, निकलते हैं, और मैं और आयुष के पापा ही जा रहे हैं, तो बच्चे घर पे ही है। आयुष गेट बंद कर ले, दोनों बच्चे घर पे ही है फ्रेंड्स, तो इनको छोड़ के ही जा रही हूँ घर पे, और मैं और आयुष के पापा जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी कौन कौन सा पौधा लेके आऊंगी मैं। तो मैं बैठ गए हम लोग, पहुँच के मिलते हैं नर्सरी में आप। चलिए फ्रेंड्स उतरते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे फ्लावर्स हैं, मैं कैमरे से दिखाती हूँ आप सबको, और देखते हैं कौन कौन से फ्लावर लेने हैं। काफ़ी सारे पौधे हैं यहाँ पे, और ये देखिए रोज़ के हैं, रोज़ पिंक रोज़ है और रेड रोज़ है ना। इधर में ये तुलसी हैं सारे, देखिए तुलसी के हैं ये सारे पौधे, और काफ़ी सारे पौधे तो ऐसे मुझे नाम ही नहीं पता इन सब के। आजा, ये देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। अभी हमने चूज़ नहीं किया है कौन सा क्या लेना है, कौन सा हाया ले लो मन तो बन गया। हाँ, सुंदर सुंदर लागे ना वही ले आऊँगा पौधा। हमारी लैंग्वेज आ गई फ्रेंड्स। बहुत सारे पौधे हैं फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे। अभी हमने एक दो पौधे तो चूज़ किए हैं, वो दिखाएंगे आप लोगों को। इधर में रोज़ की क्वालिटी है, देखिए वाइट रोज़ है, रेड है, पिंक है। कौन सा ले लूँ भैया,
तो फ्रेंड्स देखिए ये वाले पौधे हमने लिए हैं और अभी इनका मुझे नाम नहीं पता है, घर जाके अच्छे से दिखाएंगे और अब इनको लगाएंगे। देखिए बहुत सारे पौधे थे यहाँ पे, जो हमें लेने थे वो ले लिए हैं फ्रेंड्स। देखिए ये नर्सरी है, मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे। चले अभी इनको पैक करवाते हैं और चलते हैं घर पे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे पौधे, अभी लगाएंगे थोड़ी देर बाद इन सबको। ये देखिए पहले से मैंने सारे गमले खाली कर रखे हैं फ्रेंड्स, अभी लगाएंगे इन सब पौधों को। ये देखिए नींबू का पौधा है, ये नींबू का पौधा। तो चलिए अभी तक देखो ये नहाया भी नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ। फ्रेंड्स सारे पौधे बालकनी में रख दिए हैं और अब बना लेते हैं फ्रेंड्स खाना। और टाइम हो गया है 11:30 बज गए हैं, आयुष के पापा की ड्यूटी है इवनिंग, तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में खाना वाना खा पी के फ्री होके फिर हम सारे पौधे लगाएंगे फ्रेंड्स। और काफ़ी सारे पौधे लेके आए हैं, मेरी पूरी बालकनी में पौधे ही पौधे लग जाएंगे आज तो। पहले से ही मैंने सारे गमले खाली करके रखे हुए थे फ्रेंड्स, क्योंकि सारे पौधे सर्दी से जल गए थे। तो आज आयुष के पापा को बोला पौधे लाने के लिए, तो हम लोग गए और पौधे भी लेके आए नर्सरी से। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से खाना वाना बना के फ्री होती हूँ। तो फ्रेंड देखिए आटा गूंद लिया है और सब्जी को मैं गरम कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सब्जी रात की है, दाल की सब्जी है, तो काफ़ी सारी सब्जी बच जाती है तो फिर मैं सुबह काम में लेती हूँ फ्रेंड्स। और इधर में दही की बना ली है मैंने छाछ, तो इसमें जीरा वीरा डाल के रायता सब बना लिया है और सारा खाना बना लेती हूँ, बस रोटी बनानी बाकी है मुझे। हमारा सबका खाना पीना हो गया है और मेरा भी किचन का सारा काम हो गया है फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह भी साफ कर लिए हैं, किचन को भी क्लीन कर दिया है और बच्चे चले गए हैं सोने के लिए, आयुष के पापा ड्यूटी चले गए हैं फ्रेंड्स। और अब मैं चलती हूँ बालकनी में, जो सुबह पौधे लाए थे वही सारे पौधे लगाने हैं। कुछ कुछ पौधे थे फ्रेंड्स गमले समेत लेके आए थे और कुछ कुछ हैं जो वैसे लाए थे, उनको मैं गमलों में शिफ्ट करूँगी, तो इन्हीं को सब लगा देती हूँ। देखिए आज बालकनी भी भरी हुई है, तो सारे पौधे मैं लगा देती हूँ। सारे पौधे मैंने लगा दिए हैं और जो गमले में आए थे ना उनको मैंने ऐसे कैसे ही रख दिया है। देखिए छोटे छोटे गमले में आए थे तो इनको मैंने ऐसे कैसे रख दिया है, और जो बड़े पेड़ थे ना उनको मैंने बड़े वाले गमले में शिफ्ट कर दिया फ्रेंड्स। जैसे नींबू का पेड़ है ये, तो इसको मैंने बड़े वाले गमले में शिफ्ट कर दिया है, और ये मिर्ची का पेड़ है इसको भी मैंने बड़े गमले में शिफ्ट किया है फ्रेंड्स। और ये है मोर पंखी का है शायद, तो इसको भी मैंने बड़े गमले में शिफ्ट किया है। और ये देखिए ये है शायद डलिया का है ना, इसके देखिए कितने बड़े बड़े फूल आ रखे हैं, इसको भी मैंने बड़े गमले में ही लगा हुआ आया था ये तो। और ये देखिए ये मैंने छोटे गमले में शिफ्ट किए हैं, ये बिना गमले के ही थे। और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स बालकनी में, और आज मेरी बालकनी को मैंने एक छोटा सा गार्डन बना दिया है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, और सभी को ये फूल वगैरह के सुंदर सुंदर पौधे लगाने चाहिए थे, और सर्दी की वजह से मेरे सारे पौधे है ना जल गए थे फ्रेंड्स। तो मुझे काफ़ी दिन से सोच रखी थी कि मैं पौधे वगैरह लेके आऊँगी, तो आज आयुष के पापा की भी इवनिंग ड्यूटी थी तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, उनको भी टाइम था तो हम चले गए नर्सरी, तो नर्सरी से लेके आए ये सारे पौधे। तो चलिए फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स लगा दिए हैं सारे पौधे गमले में,
और बालकनी देखिए आज काफ़ी अच्छी लग रही है, यानी कि भरी भरी लग रही है पूरी बालकनी। और फ्रेंड्स सर्दी की वजह से है ना सारे पौधे जल गए थे, तो ये मेरे सारे गमले है ना खाली पड़े हुए थे, आप सबको तो पता ही है मैंने दिखाया था, और आज इनमें सब में मैंने पौधे लगा दिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स नींबू का पेड़ है ये, और देखते हैं इसमें नींबू आएंगे कि नहीं आएंगे। और कुछ फूलों के भी लेके आई हूँ, ये देखिए फूल का देखिए, और तुलसी का है तो मेरा तुलसी पीड़ा खाली हुआ था तो मैंने इसमें लगा दिया है। और मिर्ची का पौध भी लेके आई हूँ, देखिए फ्रेंड्स मिर्ची का, इसमें मिर्ची भी आ रखी है छोटी सी, ये देखिए मिर्ची भी आ रखी है है ना, तो काफ़ी सा अच्छा लग रहा है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में मेरे पौधे कैसे लग रहे हैं, फूल वाले भी सबको, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। और अभी जाके सारा मेरा काम फ्री हो गया है फ्रेंड्स, और टाइम हो गया है 3 बज चुके हैं, अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फ्रेंड्स और कर देती हूँ अब ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।